रीवा शहर के मध्य स्थित एक ट्रंक स्टोर में 1.5 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। कोरोना काल से परेशान व्यापारी के ऊपर एक और मुसीबत आन पड़ी। शहर के मध्य इस तरह की चोरी पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। बीती रात प्रदर्शनी ट्रंक स्टोर चोरों ने ढाबा बोलकर दुकान के अंदर रखे 1.5 लाख रुपए पार कर दिए। चोर दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर घुसे और रुपए ले गए। गनीमत की बात तो यह रही कि दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान आदि चोरी नहीं हुआ है। मामला रीवा शहर के अमहिया पुलिस थाने का बताया जा रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। कल रात को दुकान में चोरी हो गई। सुबह लड़का आया 10 बजे दुकान खोलने, तो हमको बताया भैया दुकान में चोरी हो गई है। तब हमको पता चला, तब हम जल्दी तुरंत आए। कहाँ से घुसे हैं? दुकान पीछे का दरवाजा तोड़ के घुसे हैं। किस किस तरह की घटनाएं, किस किस प्रक्रिया की है, क्या अभी तक आपके सामने आया, कैसे पैसा गया, कहां पर गया, क्या लगता है? काउंटर में, दो काउंटर पे पैसा रखा था अलग अलग। क्या काउंटर से पैसा लेने जाते हैं? ले भी जाते हैं, नहीं भी ले जाते। जैसे क्या होता है, ऐसे मान लीजिए किसी को सुबह देना है, पेमेंट करना है, किसी को यहीं देना है ना, तो अलग अलग सब हिसाब से। सीसी कैमरा लगा है तो वो जैसे घुसे तो पहले कैमरा काटे हैं और बाकी कुछ भी नहीं ले गए हैं, खाली कैश बस ले गए हैं। रिपोर्ट आपने कर दी? नहीं, अब रिपोर्ट अब जा रहे करने, अभी घटना सुबह की है।